मेरे प्रिय छात्रों, मैं दीपक सर आप लोगों के लिए कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए विज्ञान में आज लेके आया हूँ आपके सिलेबस से वायु। जो आपका सिलेबस है उसमें वायु लेके आया हूँ। वायु की आवश्यकता क्या पड़ती है मनुष्य को? वायु कहाँ से प्राप्त होती है मनुष्य को? वायु वातावरण से प्राप्त होती है। वातावरण से प्राप्त होती है। मनुष्य बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य या किसी पशु पक्षी का जीवन, मनुष्य का जीवन बिना वायु के संभव नहीं है। जैसे यह एक हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन जिसकी मात्रा 78.02% पाई जाती है, जो पूरे वायुमंडल में इतने भाग को यह स्वयं या कह सकते हैं इसको ग्रहण किए। उसके बाद जो सबसे अधिक मात्रा होती है वह होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन वर्तमान की अगर देखें तो 21% ही माना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 21.34% हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रतिशत मानी जाती है 0.03%, लेकिन यह भी बढ़कर 0.034% हो गई है। इस कार्बन डाइ गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो हमारे वायुमंडल में मनुष्य जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, जिसे वायु के रूप में हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब हम अपने सांस को छोड़ते हैं उस समय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख से बाहर निकालते हैं। यह क्रिया श्वसोच्छवास का लक्ष्य है। यहाँ पर मैंने 3 गैस की ही चर्चा की है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कई गैस और भी पाई जाती हैं, आर्गन, नियान, ये सब मिश्रित गैस है। यह आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा नहीं किया हूँ। अगर आवश्यकता पड़ी तो इतना ज्ञान है कि उसके बारे में भी आपसे चर्चा हम कर सकेंगे, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से चलना चाहिए। मुझे तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ। यह बातें हो गई सिलेबस की। अब वायु हमारे वातावरण में क्या क्या कार्य करती है? जो हमारा वातावरण है यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसको संतुलन कौन बनाता है? वातावरण हमारा अगर हमारे शरीर के अनुकूल नहीं रहता है तो हम शायद उस वातावरण में जीवित ही नहीं रह पाए। इसलिए यह प्रक्रिया आप लोगों को आज मैंने वायु पे छोटा सा टॉपिक बताया। अगले दिन शायद और ब्रांड लेकर और अच्छे तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।